हेलो स्टूडेंट, प्लस वन क्लास एक्सरसाइज 1.6। उसमें देखो, इस एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, आपके तीन फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। जैसे ही एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है, उसके बाद ये तीन फॉर्मूले दे रखे हैं आपकी बुक में। देखो, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी। इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारा सेट होता है, क्या होता है, उसके अंदर ए के एलिमेंट्स भी होते हैं और बी के एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। जब हमने इसके बाद ये एन लिख दिया, ये इसको क्या डिनोट कर रहा है कि इसके अंदर हमें क्या बताना है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। फिर एन ए क्या बता रहा है कि ए सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एन बी क्या बता रहा है बी सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे वो किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला है ये, किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक है। ये फॉर्मूला कब है, जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई। जब दोनों, देखो दो सेट दे दिया आपको ए और बी, ठीक है, उसकी यूनियन निकाल सकते हैं हम, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या आ सकता है, दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी कॉमन ना हो तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई। तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला फिर से किसका है, ए यूनियन बी का ही, कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे। ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब उनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल नहीं होगा, मतलब उनके अंदर कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। किसके इक्वल होगा, ए के अंदर जितने एलिमेंट है, बी के अंदर जितने एलिमेंट है, माइनस कर देंगे जितने दोनों में एलिमेंट है, जो इंटरसेक्शन जो है, कॉमन जो एलिमेंट होंगे वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। वैसे अगर आप ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला है वो इसी से आया है, अगर ए और इंटरसेक्शन बी, अगर उन दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कॉमन फाई है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, जीरो हो गए ना, तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसी का केस दे रखा है, ये दो फॉर्मूले हो गए, किसका फॉर्मूला, ये ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है वो निकालने का, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला है आपका, वो है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, जब तीन सेट हैं और तीनों की यूनियन दे रखी है, तब उसमें कितने एलिमेंट होंगे वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। कैसे, ए के अंदर जितने एलिमेंट, बी के अंदर, फिर सी के अंदर, तीनों के अलग अलग हो गए। अब हम दो दो लेंगे, दो दो ले लिए हमने, और इंटरसेक्शन लेना है, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी, फिर आएगा ए इंटरसेक्शन सी, और ये सारे क्या करने हैं, हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, और लास्ट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा। ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर लेंगे, एक्सरसाइज में यही यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये कह रहा है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट, दो सेट दे दिए एक्स और वाई, सच दैट, एक एक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, 17 है, वाई के अंदर 23 है, यूनियन में बता दिया, हमें किस में निकालने हैं, इंटरसेक्शन में निकालने हैं, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही है ना, ए और बी था, इसमें क्या आ गया, एक्स और वाई, यूनियन किसके इक्वल हो गई, नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ वाई और माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, जो जो हमें पता है, यूनियन की कितनी वैल्यू है, 38 है, इक्वल टू में एक्स के अंदर कितने हैं, 17 हैं, प्लस में वाई के अंदर कितने हैं, 23 हैं, और माइनस में ये हमें निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। अब ये देखो, ये 17 और 23 ऐड कर दो, कितने हो गए, ये हो गए 40, ठीक है, ये आ गया 40, और ये क्या है, 38, यहाँ पे 40 आंसर आ गया। इसको मैं अगर इस तरफ ले आऊँगी, ये माइनस का 38 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू के इस तरफ ले आए हम इसको। अब ये वाला जो माइनस का है, इसको मैं इस तरफ ले आऊँ, तो ये माइनस का था, ये इस तरफ आके प्लस का हो गया, ठीक है, इसको इस तरफ ले आए और इसको इस तरफ ले आए, तो ये 40 माइनस 38 किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो ए एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ठीक है, यही आंसर है आपका, यही पूछा था इसने। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ऐसे ही है, x और y दो सेट हैं, ठीक है, सच दैट x यूनियन y जो है उसमें कितने एलिमेंट है, 18 हैं, तो लिख देते हैं हम x यूनियन y में कितने एलिमेंट है, 18, ठीक है। इसके बाद x के अंदर कितने एलिमेंट है, x हैज 8 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ x, एलिमेंट ऑफ x कितने हो जाएंगे, 8। अगला है y हैज 15 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y कितना हो जाएगा, 15। और निकालना क्या हमें, इंटरसेक्शन निकालना है, फिर से यही फॉर्मूला है हमारा, यही फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, x यूनियन y की क्या है, 18, इक्वल टू में नंबर ऑफ x, नंबर ऑफ x कितने हैं, 8, प्लस में
नंबर ऑफ वाई, नंबर ऑफ वाई कितने हैं 15, और माइनस में नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, फिर से वही करो, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया ये 88 और 15 कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, फिर से 18 को इस तरफ ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू का इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये सबट्रैक्ट करके कितना बच गया, 5 बच गया। ठीक है, तो ये एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, ये आंसर आ गया आपका। इसके बाद देखो जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या किया इसने, स्टेटमेंट बना के दे दिया, तो हम निकाल लेंगे बस। देखो क्या कह रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, कितने लोग हैं 400 लोग हैं। ठीक है, उसमें से 250 जो है वो हिंदी बोलते हैं और 200 कितने बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, और हाउ मैनी स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो हमें ये बताना है कि जो दोनों भाषाएं बोलते हैं वो कितने हैं। ठीक है, इसने अलग अलग बता दिया कि हिंदी बोलने वाले इतने हैं और इंग्लिश बोलने वाले इतने हैं। ठीक है, और टोटल लोग कितने हैं 400 हैं, और हमें बताना है कि दोनों लैंग्वेज कितने लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कितने बोल सकते हैं वो चीज़ किसको डिनोट कर रही है, जो दोनों में आएंगे, जो हिंदी के भी हैं और इंग्लिश के भी हैं, तो वो किस में होते हैं, इंटरसेक्शन में होते हैं ना, जो चीज़ दोनों में होती है। तो बोथ जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन को। ठीक है, देखो अगर मैंने हिंदी वाले सेट को, जो लोग हिंदी बोलते हैं उस सेट को मैंने ए मान लिया। ठीक है, ए इज द सेट पीपल ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, जो हिंदी बोलते हैं वो किस सेट में है, ए सेट में है, और बी वो सेट है जो जिसमें इंग्लिश बोलते हैं वो पीपल है उसके अंदर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये बताओ हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250 हैं, तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया 250, नंबर ऑफ बी कितना आ गया 200, क्योंकि इंग्लिश वाले कितने हैं 200 हैं, और जो दोनों बोल सकें वो कितने होंगे वो हमें निकालना है, तो हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, जो दोनों के होंगे, और इसने बोला है कि टोटल पीपल कितने हैं, जो हिंदी वाले भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं, टोटल कितने हैं वो 400 हैं वो। ठीक है, तो वो क्या चीज़ हो गई हमारी, जो दोनों की है तो वो क्या आ गई, यूनियन, यूनियन किसके इक्वल आ गई 400 के। फिर से हमारे पास ये सारी वैल्यू है, हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ कर रही हूँ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है आपका। देखो यूनियन में कितने हैं 400, इक्वल टू में ए में कितने हैं 250, प्लस बी में कितने हैं 200, और इंटरसेक्शन हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये दोनों ऐड कर दो, कितना हो गया 450 हो गया, ये फिर से इस तरफ आके माइनस का और ये इस तरफ आके प्लस का, तो बताओ कितना आ गया सोल्व होके 50 आ गया। तो ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं वो कितने हैं 50 है। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ऐसे ही है, इफ़ एस एंड टी आर टू सेट, अब की बार एस और टी बता दिए, एस के पास कितने एलिमेंट है 21, तो नंबर ऑफ एस आ गया 21, टी के पास है 32, तो नंबर ऑफ टी कितना आ गया 32 आ गया, और एस इंटरसेक्शन टी इसके अंदर कितने हैं 11 है। हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालनी है। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, यूनियन का फॉर्मूला लिख दो सीधा ही, नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ये कितना है 21 प्लस 32 है ये, और ये कितना है 11। ठीक है, तो ये देखो इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 53 आ गया। ठीक है, माइनस का 11, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका 42। तो इसका मतलब एस यूनियन टी में कितने एलिमेंट है 42 है। ठीक है, देखो हमारा फॉर्मूला मेन जो है इसमें यही फॉर्मूला है, ये तो इसी से आता है, तो हम हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ना इसका यूज़ कर लेंगे। जब आपके पास दो सेट है, इसमें ए भी था, किसी क्वेश्चन में एक्स वाई लिख दिया, किसी क्वेश्चन में एस और टी लिख दिया, तो नोटेशन कोई भी हो सकती है, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमने ये चार क्वेश्चन कर लिए, बाकी के जो चार क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो आप एक बार ट्राई करके देखेंगे, एग्जाम्पल रीड करेंगे, उसकी हेल्प से हो जाएंगे इजी। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।